क्लास थर्ड मेजरमेंट न्यू चैप्टर करेंगे। लुक व्हाट हैपेंड व्हेन अंकुर मोहित एंड दीपक जंप इनटू द पूल। यहाँ पर देखो ये तीन बच्चे हैं जिसने पूल के अंदर एंटर कर लिया है। अंकुर ने ऊपर से छलांग लगाई, मोहित ने छलांग लगाई है और इधर दीपक ने छलांग लगाई है। तीन बच्चे हैं जो कि पूल के अंदर एंटर कर गए। अब इसमें आप देखिए ये बच्चा जो है ये सबसे मोटा नज़र आ रहा है, हैवीएस्ट यानी जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, ये सबसे पतला नज़र आ रहा है। और ये बच्चा दीपक जो है ये इससे ठीक है, सबसे कमज़ोर ये है, उससे हैवी ये है और सबसे हैवीएस्ट बच्चा जो है ये है। तो हु इज़ द हैवीएस्ट ऑफ द थ्री बॉयज, तीन बच्चों में सबसे हैवीएस्ट कौन है, वो है अंकुर। यहाँ पर आप लिखेंगे अंकुर। उसके बाद है हु इज़ द लाइटेस्ट ऑफ थ्री बॉय, थ्री बॉय में लाइट बच्चा कौन है, वो है मोहित। हु क्रिएट द बिगेस्ट स्प्लैश ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा जंप मारने से सबसे ज़्यादा पानी के फुवारे कहाँ छूटे हैं, स्प्लैश कहाँ किया, छिड़काव कहाँ हुआ है, वो इसने छिड़काव किया है। तो तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे अंकुर, क्योंकि इसका कम हुआ है, इसकी छलांग ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर तीसरे में भी अंकुर आएगा, पहले में भी अंकुर आएगा और जो बीच वाला नंबर है उसमें मोहित का नाम आएगा। तो इसको पता करने के लिए हम मेज़रमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं। मेज़र का मतलब होता है नापना। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद आप कोई भी सामान लेकर के आते हैं, आटा दाल चावल, तो वेइंग मशीन होती है जिसके ऊपर वेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं मेज़रमेंट ऑफ वेट। अब उसी तरीके से जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, या ज़मीन को नापना है, या अपनी बुक को नापना है, या कोई स्केल नापनी है, स्केल पेंसिल को नापना है, तो उसके लिए हम कन्वर्जन करते हैं लेंथ में। और सबसे पहला है मेज़रमेंट विद द स्केल, और ये जो नपाई होती है वो हम स्केल से करते हैं। अब स्केल में देखेंगे ये ज़ीरो नंबर है और ज़ीरो से लेके 15 तक का ये स्केल है, तो ये जो है सेंटीमीटर का स्केल है। अब स्केल से हम हर चीज़ लेंथ को नापते हैं और वेट को हम वेट ये केजी से, जैसे बट्टा है ये बट्टे से नापते हैं। कोई भी चीज़ होती है आजकल मार्केट में जाओगे जहाँ पर आपको क्या कहते हैं, कोई भी सामान आपको अगर ख़रीदना है तो दुकानदार से दाल चावल आटा गेहूं कुछ भी ख़रीदना है तो वो बट्टे को रखते हैं और इसको रख करके वो फिर आपकी चीज़ को नापते हैं। अगर 2 किलो चीज़ चाहिए आपको तो 2 किलो का बट्टा रखेंगे और उसके बाद 2 किलो सामान डाल देंगे। इसी तरह से आप सब्जियां देखते हो, सब्जी वाले के पास भी आपने तुला देखी होगी, स्केल लिखा हुआ होगा तोलने वाला, तो वो भी आप बट्टे से ही तोलते हैं। आजकल मशीन आ गई है, मशीन से तोलते हैं। तीसरा है मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है उसकी क्षमता क्या है। किसी भी चीज़ की कैपेसिटी लेने के लिए कैपेसिटी लेते हैं हम लिक्विड की, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, इसको नापने के लिए हम इसकी जो यूनिट होती है वो कैपेसिटी होती है, जो लीटर या मिलीलीटर में नापी जाती है। जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो दूध वाले के पास दूध लीटर का एक पौवा होता है, जिसकी वजह से आप कहते हो आधा लीटर दूध दे दो तो आधा लीटर का पौवा रखता है। 1 लीटर रखते हो, 1 लीटर मांगते हो तो 1 लीटर के पौवे से आपको दूध देता है। तो ये देखिए ये है 1 लीटर का, इसमें 1 लीटर दूध आता है। ये 500 ml, 500 ml का मतलब होता है आधा लीटर। ये 250 ml का मतलब होता है 1/4, 1/4 दूध है इसके अंदर, 1/4 लीटर है। और इसके अंदर है 100 ml दूध है और इसके अंदर जो है ये 50 ml दूध है। तो पानी वाली चीज़ के लिए, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे ऑयल हो, उसको नापने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्केल का यूज़ हम कैसे करते हैं। अब देखो ये स्केल है, यहाँ पर ये ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो से लेकर के 15 नंबर तक का ये स्केल है, ये जो है सेंटीमीटर में है। तो जब भी हम स्केल को नापते हैं इस लाइन के आगे का जो पोर्शन है इसको हम छोड़ देते हैं, हम नापते यहाँ से हैं, ये ज़ीरो से लेकर के यहाँ तक 9 तक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, तो ए से लेकर के बी तक ये जो है 9 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी। तो मार्क ऑफ रूलर एट द राइट एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 9, ये पूरी लाइन सेगमेंट है जो यहाँ 0 से लेकर के 9 तक, तो ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरी पेंसिल से यहाँ से फिर से इसको नापा है, 0 से लेकर के 6 तक इसको नापा है, 6 तक नापने से इसको अगर आप स्केल से खींचेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ कहलाएगी। जो पेंसिल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पेंसिल है वो 6 सेंटीमीटर की पेंसिल है। अब हम देखते हैं कि स्केल का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये जो बुक है, यहाँ पर बुक दी हुई है, यूजिंग द स्केल मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द लेंथ ऑफ ए बुक, बुक की जो लेंथ है वो आपको सेंटीमीटर में नापनी है। तो देखते हैं कितनी सेंटीमीटर आएगा ये। तो अब देखिए मैं बुक को नाप रही हूँ,
ये यहाँ से मैंने ज़ीरो से लिया है इसको, ये ज़ीरो है यहाँ पर, यहाँ से ले रही हूँ यहाँ तक आ रहा है 15 को मैं मार्क कर रही हूँ, 15 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे फिर मैं ज़ीरो से नापूंगी, तो ये ज़ीरो से लेकर के ये 15 था, 15 को फिर मैंने ज़ीरो से लेकर के यहाँ तक नापा है, तो ये आ रहा है 13, 15 से लेकर के ये देखो ये आ रहा है यहाँ पर 13 नंबर आ रहा है। तो 15 में हम 13 को प्लस कर देंगे तो जो बुक की जो लेंथ होगी 15 + 13 ये होता है 28 सेंटीमीटर, तो बुक की लेंथ हो गई 28 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये बस दी हुई है, बस को बस लंबी होती है कम से कम 15 फुट की बस होती है, तो 15 फुट की बस जो होगी वो मीटर में होगी, तो उसकी जो लेंथ होगी मीटर में आएगी, तो ये बस जो होगी 12 से 15 मीटर तक की होगी। द लेंथ ऑफ ए बैट इन सेंटीमीटर, तो आप अपने बैट जो आपके पास बैट होता है घर पे, आप सभी बच्चों के पास तो बैट होता ही है, तो आप अपने स्केल से इसको नाप करके इसके सेंटीमीटर में यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरीके से आपके पास जो भी रबड़ होगी उस रबड़ को आपने स्केल से नापना है, स्केल से नापने के बाद वो कितने सेंटीमीटर का रबड़ छोटा सा ही होता है तो आप उसको इस तरीके से नाप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये 1 point something आ रहा है, तो आप अपनी रबड़ को मार्क करेंगे और यहाँ पर मार्क करके लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल के लेंथ भी आपको इसी तरीके से जितनी भी आपकी बड़ी पेंसिल होती है उसको आपने नाप के लिखना है। जैसे मेरे पास ये पेन है तो पेन की जो लेंथ है वो मैं नाप के बता रही हूँ आपको कितनी लेंथ होगी, यहाँ से मैं इसको नाप रही हूँ, ये इसका पॉइंट लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक नापने से ये 14 सेंटीमीटर का पेन आ रहा है। तो जितनी भी आपको स्केल से अपनी पेंसिल को नाप करके यहाँ पर लिखना है, 14 सेंटीमीटर होगा तो 14 सेंटीमीटर लिखना है, 15 सेंटीमीटर होगा तो 15 सेंटीमीटर लिखना है। इसी तरीके से आप सभी के घरों में नाइफ होता है, चाकू होता है, चाकू को आपने इसी स्केल से आपने नापना है, जो उसकी लेंथ होगी सेंटीमीटर में ही आएगी क्योंकि चाकू छोटा सा होता है, उसको नाप के आपने यहाँ लिखना है। उसी तरीके से द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, आप सभी के घरों में आप सभी बच्चों के पास पेंसिल बॉक्स होता है उसको नाप करके भी आपने लिखना है। जैसे मेरे पास ये ज्योमेट्री बॉक्स है तो ये मैं इसको नाप रही हूँ, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है 15 यहाँ तक आ रही है, और 15 के बाद तकरीबन ये एक और आगे आ रहा है ये यहाँ से लेकर के, तो ये डेढ़ और आ रहा है 16.5 आ रहा है। तो यहाँ पर इस ज्योमेट्री बॉक्स की जो लेंथ है वो 16.5 सेंटीमीटर है। तो आप अपनी पेंसिल बॉक्स को नापेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। लेंथ ऑफ ए कॉम, कॉम का मतलब होता है कंघा, कंघे की भी लेंथ आपने इसी स्केल से आपने इसको नापना है और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे बुक में तो आप छोटा सा बना हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप देती हूँ तो ये जो कंघा है वो इसके हिसाब से ये 5 सेंटीमीटर का कंघा आ रहा है, और ज्योमेट्री बॉक्स को अगर नापती हूँ तो ये आ रहा है 3 सेंटीमीटर, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है ये 3 सेंटीमीटर का आ रहा है, और नाइफ़ को अगर मैं नाप रही हूँ तो ये आ रहा है 4.5, ये पेंसिल को अगर मैं नाप रही हूँ तो ये आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, और रबड़ जो है वो आ रही है 1.2 सेंटीमीटर, तो रबड़ जो आ रहा है इसमें 1.2 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद यूजिंग स्केल मेज़र द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, अब ये लाइन सेगमेंट खींची हुई है पार्ट ऑफ लाइन, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था एक लाइन उसका जो पार्ट होता है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं जिसको हम नाप सकते हैं, इसको भी हम स्केल से नापेंगे। अब ये देखो इस पॉइंट को मैंने ज़ीरो पे रखा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको नापूंगी, तो ये आ रहा है 4.5 पर कंप्लीट नहीं आया ये 4.8, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट है सी से डी वाली जो लाइन सेगमेंट है वो ज़ीरो से लेकर के देखो 8 तक आ रहा है, ये ज़ीरो से लेकर के 8 तक आ रहा है, ज़ीरो से लेकर 8 तक आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसको नापेंगे, ये भी 8, ये ज़ीरो से लेकर के 8 पर आ रहा था, और नहीं ये 0 से लेकर 6 पर आ रहा है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये आ रहा है 8 सेंटीमीटर पर, ये 8 नंबर है, 7 के बाद 8 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी से लेके एच तक, ये देखो ये 11 पे आ रहा है, 0 से लेके 11 पे आ रहा है, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। के से लेके एल तक, ये इसमें देखो 4 कंप्लीट नहीं है, 4 से कम आ रहा है, ये 5 के बाद 6 7
फाइव के बाद दो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 3.7 सेंटीमीटर। अब इसमें पहले इसको नापेंगे, नेक्स्ट वाले में यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 3.5 सेंटीमीटर, फिर इसको नापेंगे 2.6 सेंटीमीटर, इसके बीच में 10 लाइंस होती हैं, तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर, फिर इसको नापेंगे, ये 3.2 पर आ रहा है, 3 कंप्लीट है, 1, 2 तो 3.2 सेंटीमीटर। अब लास्ट वाले को नापेंगे, इसकी लेंथ आ रही है 6 कंप्लीट है, 6 के बाद 0.5 से पहले आ रहा है 4 तक, तो ये आ रहा है 6.4 सेंटीमीटर। दोबारा देखते हैं, 6.5 ही है, तो 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको नापना है। उसके बाद P से लेके Q तक की लेंथ हो गई, Q से R तक की लेंथ हो गई, R से S तक की लेंथ हो गई, और S से T तक की लेंथ हो गई। नेक्स्ट है टिक द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, जो सूटेबल ऑप्शन आपको लगता है उसी पर आपने टिक मार्क करना है। लेंथ ऑफ बनाना, केला जो होता है ये स्केल की साइज़ का ही होता है, ये स्केल से छोटा ही होता है, तो स्केल किस में है, सेंटीमीटर में है, तो आपने इसको सेंटीमीटर को राइट लगाना है। विड्थ ऑफ योर टीचर टेबल, टीचर की जो टेबल होती है जिसमें मैम बड़ी टेबल होती है, जैसे आपके सेंटर टेबल भी होती है, तो वो मीटर में होती है, तो मीटर को राइट लगाना है। थिकनेस ऑफ ए बुक, बुक की जो थिकनेस होती है, थिकनेस का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो बहुत ही छोटा सा है, तो ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, तो ये सेंटीमीटर में होगा, तो यहाँ अपने सेंटीमीटर को राइट लगाना है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम योर क्लासरूम टू टॉयलेट, अपनी क्लास से टॉयलेट तक के जाओगे तो टॉयलेट तो काफ़ी दूर होता है, तो इसलिए मीटर आएगा इसका डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ ए टिफिन बॉक्स, जो आप लंच करते हो लंच बॉक्स, मीटर तो बहुत बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, अभी मैंने पेंसिल की लेंथ बताई थी, वो 18 सेंटीमीटर की हो सकती है, 18 मीटर की तो होगी नहीं, मीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो 18 सेंटीमीटर की पेंसिल की लेंथ होगी। तो ये आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।